नमस्कार, स्वागत है आपका पूजा रिद्धि फूड ब्लॉग्स में। आज हम बनाने जा रहे हैं एकदम ईजी और टेस्टी सी कटहल की सब्ज़ी। कटहल की सब्ज़ी खाने में तो बहुत टेस्टी लगती है, बस बनाने के इसके तरीके थोड़े अलग अलग होते हैं। अगर आपको ये सब्ज़ी बनाने में थोड़ी मुश्किल लगती है तो ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करिए। तो चलिए इसे बनाते हैं। कटहल की सब्ज़ी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ले लिया है कटहल। ये डायरेक्ट दुकानदार से कटवा कर ही लेकर आए हैं। अगर आप घर में काटते हैं तो अपने हाथों में तेल ज़रूर लगा लें। प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, अदरक और लहसुन मैंने ले लिया है। सेकंड स्टेप में हम मसाले इकट्ठा कर लेंगे। सबसे पहले तेज पत्ता ले लिया है, खड़ी इलायची ले ली है, ये हरी वाली इलायची है छोटी, और मेथी दाना ले लिया है आधा टीस्पून। हम ले लेंगे दो लौंग। खड़े मसाले फ्लेवर बहुत अच्छा देते हैं हमारी सब्ज़ी में। आधा टीस्पून ले लिया है ज़ीरा। हमारे ये इतने मसाले लगेंगे हमें सब्ज़ी बनाने में। अब चलते हैं ड्राई मसाले लेते हैं। ड्राई मसालों में हम ले लेंगे हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, ये कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है, इससे कलर बहुत बढ़िया आता है सब्ज़ी में, जीरा पाउडर और लगभग डेढ़ चम्मच के करीब धनिया पाउडर। ज़ीरा और धनिया ये दोनों घर में ही भून के मैंने पीस लिया है, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। रेडीमेड ज़ीरा पाउडर और धनिया पाउडर से बहुत ज़्यादा बेहतर। ये कसूरी मेथी ले ली है और गरम मसाला, इसे हम सबसे लास्ट में डालेंगे, इससे सब्ज़ी का फ्लेवर और अच्छा आएगा। सबसे पहले हम कटहल के टुकड़ों को उबाल लेंगे। 600 ग्राम कटहल के टुकड़े उबालने में कम से कम एक से डेढ़ ग्लास का पानी लगा है। इसे एक सीटी तक ही हमें पकाना है। जब तक हमारे कटहल पकेंगे तब तक हम बाकी के मसाले प्रिपेयर कर लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले प्याज को हमने रफली चॉप करके ग्राइंडर में पीस लिया है। मिक्सी नहीं है तो आप इसे कद्दूकस भी कर सकते हैं। टमाटर, हरी मिर्च और 4 से 5 लहसुन की कलियां लेकर हमने पीस लिया है। मिर्च हमने 4 ली थी, जिसमें से हम एक बचा के बाकी 3 को पीस लेंगे। जो एक मिर्च हमने बचाई है इसे हम तड़के में डालेंगे, और जो लहसुन की कलियां हमने बचाई थी उसे हम अदरक के साथ दरदरा कूट लेंगे। आप चाहे तो यहाँ अदरक लहसुन का पेस्ट भी ले सकते हैं, पर इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है, एक अलग सा ही फ्लेवर देता है ये हमारी सब्जी में। टमाटर, मिर्च और लहसुन का पेस्ट तैयार है, साथ ही अदरक और लहसुन का दरदरा पेस्ट भी तैयार है। हमारे मसाले प्रिपेयर हो चुके हैं। अब चलते हैं हम अपने कटहल चेक करते हैं कि वे पक चुके हैं कि नहीं। चम्मच से काट कर देख लेते हैं एक बार। हमारे कटहल बहुत अच्छे से पक गए हैं, बहुत सॉफ्ट हो गया है। कटहल पहले से पका लेने से यही है कि टाइम कम कंज्यूम करते हैं। पानी हमने छान कर अलग रख लिया है, इसे फेंकेंगे नहीं, आगे सब्जी बनाने में इसी को हम यूज़ करेंगे। जो हमने ड्राई मसाले इकट्ठे किए थे उसमें हम 2 से 3 चम्मच पानी डालकर पेस्ट तैयार कर लेंगे। अगर सिल बट्टे पे पीसते तो उसकी तो बात कोई दूसरी ही थी, लेकिन बाहर जैसे ये अवेलेबल नहीं है तो हम रेडीमेड मसालों में ही पानी डालकर पेस्ट तैयार कर लेंगे। अब चलते हैं थर्ड स्टेप की तरफ, सब्ज़ी बनाने की तरफ। उससे पहले सारा सामान हमने इकट्ठा कर लिया है। सामान मतलब जो हमारे मसाले और उबले हुए कटहल हैं सब हम इकट्ठा रख लेंगे। कढ़ाई ले लिया है, उसमें डाल लिया है थोड़ा सा सरसों का तेल, ये करीब 2 बड़े चम्मच तेल है, इसे अच्छे से गर्म कर लेंगे। और सबसे पहले डाल दिया है तेज पत्ता, हल्का सा फ्राई करके उसमें डाल देंगे अपनी खड़ी इलायची और लौंग, दोनों को हमने कूट लिया है ताकि इसका फ्लेवर तेल में आ जाए। अब इसमें डाल देंगे मेथी, जीरा और हरी मिर्च, जो एक हमने बचाई थी उसी को हमने लंबे लंबे टुकड़ों में काट लिया है। थोड़ा सा फ्राई करके उसमें हम डाल देंगे अदरक लहसुन का दरदरा कुटा हुआ पेस्ट, इसकी जगह आप रेडीमेड अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा भुनने के बाद इसमें डाल देंगे हम अपना प्याज, प्याज का जो पेस्ट बनाया था, और इसे हमें कम से कम 8 से 10 मिनट भुनना पड़ेगा क्योंकि इसका कलर हमें एकदम चेंज कर देना है,
सारी की सारी सब्जी प्याज भुनने पर ही डिपेंड करती है। इसमें डाल दिया है जो हमने ड्राई मसालों में कटहल का पानी डाल के पेस्ट तैयार किया था उसे, और टमाटर मिर्च और लहसुन का जो पेस्ट तैयार किया था इसे। इन दोनों को अच्छी तरह से हम भून लेंगे और थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे अगर थोड़ा आपको मसाला ड्राई लगता है तो। इससे हमारे मसाले जलेंगे नहीं और बहुत अच्छी तरीके से पक जाएंगे। लहसुन जो हमने टमाटर में डाला था वो कच्चा था तो उसे अच्छी तरह से भुनने में थोड़ा टाइम लगेगा। नमक हमने साथ साथ ही डाल दिया है ताकि अच्छी तरीके से पूरे मसाले पक जाएं। इसे थोड़ी देर के लिए हम ढककर पका लेते हैं, लगभग 1 से 2 मिनट के लिए। आप देख सकते हैं कि मसालों में से तेल जो है वो अलग हो गया है, इसका मतलब पेस्ट बहुत अच्छे से तैयार है। अब हम इसमें अपने बॉइल्ड जैकफ्रूट मतलब कटहल डाल देंगे और अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये बढ़िया ग्रेवी वाली बहुत रिच सब्जी है। आप इसे पूड़ी, पराठे, रोटी या चावल किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। इसमें डाल दिया है थोड़ा सा पानी ग्रेवी एडजस्ट करने के लिए। थोड़ी देर के लिए हम इसे ढककर पकाएंगे। सब्जी बन चुकी है। लास्ट में हम इसमें डाल देंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी और गरम मसाला पाउडर। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और एक बाउल में निकाल लेंगे। सब्जी हमारी बनकर एकदम तैयार है। है ना, बहुत इजी रेसिपी। कटहल की सब्जी बिल्कुल बनाने में टफ नहीं है, इसे हम आराम से इजीली बना सकते हैं। आप इस सब्जी को ज़रूर बनाइए और मुझे बताइए कि आपको कैसी लगी। अगर कुछ सुझाव देने हैं तो वो भी प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करें और मेरे चैनल पूजा रिद्धि फूड ब्लॉग्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।